जब से भारत में कोरोना का दस्तक हुआ है और सरकार ने एक बहुत लंबा लॉकडाउन लगाया था, उसके बाद लोग घरों में बैठकर लूडो बहुत खेलते थे। यानी कि इस समय में लोग अभी भी लूडो खेल रहे हैं। और आपको मैं बता दूं कि एक बहुत बड़ी खबर है कि अगर आप लोग भी लूडो लूडो वर्ल्ड ऐप या लूडो ऑल स्टार ऐप पर खेलते थे, तो आपके लिए बहुत बुरी खबर है कि सरकार के द्वारा आज इन दोनों लूडो ऐप्स पर बैन लगा दिया गया है। आपको पता है कि भारत सरकार ने पिछले दिनों 47 चाइनीज ऐप पर बैन लगाया, उसके बाद 59 चाइनीज ऐप पर बैन लगाया, और आज सबसे बड़ी खबर अब यह आ रही है कि पबजी सहित भारत में 118 चाइनीज ऐप को बैन कर दिया गया है। यानी कि भारत और चाइना के बीच जब जब कल हालात बिगड़ी है, जब दोनों के बीच हिंसक झड़प हुई है, तो वैसे स्थिति में मोदी सरकार ने हमेशा डिजिटल स्ट्राइक करने की कोशिश की है। जब भारत गलवान घाटी में चाइना के साथ भिड़ा था, जब भारत के 20 वीर सपूत शहीद हो गए थे, उस समय भी मोदी सरकार ने 59 चाइनीज ऐप को बंद किया था, और आज फिर से ये देखने को मिल रहा है कि 118 चाइनीज ऐप बंद हो गए हैं। यानी कि जो दुनिया में ढेर सारे लोग जो पबजी खेलते थे, भारत में करोड़ों लोग पबजी खेलते थे, उन सारे पबजी प्लेयर्स की अब दिन खाली गुजरने वाली है, क्योंकि सरकार ने पबजी जैसे गेमों पर भी बैन लगा दिया है। आपको पता है कि भारत ने पाकिस्तान पर ढेर सारे सर्जिकल स्ट्राइक्स किए, लेकिन इस तरह का डिजिटल स्ट्राइक भारत को और मजबूत बनाएगा और चाइना की कमर तोड़ देगा। लेकिन आपको मैं बता दूं कि अगर ये दोनों लूडो की एप्स बंद भी हो गई है, तो आपको घबराना नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि लूडो आप खेल सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देखना, वहां मैं आपको बताया हूं कि आप लूडो के साथ साथ वहां पर पैसे भी कमा सकते हैं। पैसे कमाना बहुत आसान है, वहां पर आपको वीडियो में सही तरीके से सब कुछ बताया गया है। डिस्क्रिप्शन में आप लोग देखना मत भूलिएगा, लिंक भी दी गई है, आप लोग वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आप लोग उस पहले वीडियो को देखिए, सारी चीजों को समझिए, वहां से लूडो ऐप डाउनलोड कीजिए और फिर पैसे भी कमा सकते हैं। इसके साथ साथ मैं और भी बता दूं कि ढेर सारे गेम्स जैसे कि राइज ऑफ किंगडम, बैदू, गेम ऑफ सुल्तान, ढेर सारे बाइक रेसिंग गेम्स, ढेर सारे गेम्स बंद हुए हैं, और उनमें से ये दोनों लूडो वाली गेम्स भी आ गई है। आप लोग को चिंतित बिल्कुल भी नहीं होना है। आप लोग को मैं बता दिया हूं कि आप लोग मेरे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर जाकर आप वीडियो को देखिए, वीडियो को देखने के बाद आप लोग उसे डाउनलोड करिए, खेलिए, पैसे कमाइए, आप लोग को अंतर नहीं पड़ने वाला है। तो आपके मन में सवाल यह भी होगा कि आखिर सरकार चाइना के ऐप्स को बैन क्यों कर रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब जब चाइना ने भारत को आंख दिखाने की कोशिश की है और भारत के साथ हिंसक झड़प करने की कोशिश की है, तब तक भारत ने सबको जवाब दिया है, वो चाहे पाकिस्तान हो, म्यांमार हो या चाइना हो। उसी तरह से भारत और चाइना के साथ हुए समझौते के बाद ये तो है कि आप लोग कोई हथियार नहीं चला सकते, लेकिन डिजिटल स्ट्राइक करने जैसी कोई भी समझौता नहीं हुई है। और मोदी सरकार हमेशा देश को सुरक्षित रखने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को मजबूत करने के लिए हर वो काम किया जो भारत को जरूरत थी। और आज डिजिटल स्ट्राइक चाइना के ऊपर तीसरी बार की गई है, जब पहला बार जब 59 चाइनीज ऐप बंद हुए, दूसरी बार जब 47 चाइनीज ऐप बंद हुए, और तीसरी बार आज 118 चाइनीज ऐप बंद हुए, जिसमें कि लूडो की ये दो ऐप्स और भारत की सबसे पॉपुलर गेम्स पबजी भी बंद हो गई है। आशा करता हूं कि आपको ये दी गई जानकारी बहुत पसंद आई होगी। ऐसी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।